हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड, एक गुड न्यूज़ है, NVS रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। NVS स्टैंड्स फॉर नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, और इसमें PGT, TGT और अदर नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आउट हुई है। टोटल वैकेंसी जो है वो 2370 वैकेंसी है, ठीक है। देखते हैं किस किस में कितनी कितनी वैकेंसीज है। PGT जो है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में, ठीक है, इसमें हिंदी में 35 है, इंग्लिश में 37, मैथमेटिक्स में 48, बायोलॉजी की 43 है, केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में 39 पोस्ट निकली है, कॉमर्स की 16 है, इकोनॉमिक्स की 63, ज्योग्राफी की 38, हिस्ट्री की 46, PGT कंप्यूटर साइंस की 20 निकली है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं उनकी 20 निकली है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट 430 हैं, और TGT में देख लेना, यहाँ पे 1718 पोस्ट हैं टोटल। और आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर, फीमेल स्टाफ, नर्स, लीगल असिस्टेंट, केटरिंग और लोअर डिवीजन जो क्लरिकल हैं, क्लर्क हैं, उनके टोटल 222 पोस्ट निकली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी इसकी 10 जुलाई से, ठीक है। 10 जुलाई से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और क्लोज्ड कब होगी, 9 अगस्त 2019 को। तो काफ़ी, मतलब एक मंथ का टाइम है आपके पास, ठीक है। और फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है, अच्छा, फीस डिपॉजिट ओपन होगी 10 जुलाई को, और क्लोज़ कब होगी, 12 अगस्त को, ठीक है। टेंटेटिव एग्जामिनेशन कब होगा इसका, 5 से 10 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है, 5 से 10 सितंबर के बीच में होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। TGT के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में, विद 50% मार्क्स और अबव विन होना चाहिए एज एग्रीगेट, एज वेल एज इन द कंसर्न सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स ऑफ स्टडी, एंड BEd भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और TGT अभय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन ग्रेजुएशन फॉर TGT के लिए, तो TGT साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ्स में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये आप सब्जेक्ट देख लेना अपने। PGT के लिए आपको MA, MSc, MCOM विद 50% मार्क्स और अबव, और BEd चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, अब आया ये जो PGT IT है ना, ये BTech वाले भी भर सकते हैं इसके लिए जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। एटलीस्ट 50% चाहिए आपको एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कोई भी आपकी जो डिग्री है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जैसे BE, BTech, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। एनी स्ट्रीम विद ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर में, जिनका अगली कोई और स्ट्रीम है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर्स में, ठीक है। और MSc कंप्यूटर साइंस वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, MCA वाले भी एलिजिबल हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, BCA वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इनको एनी सब्जेक्ट में, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिन्होंने कंप्यूटर में किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट में, वो भी एलिजिबल हैं। ए लेवल फ्रॉम DOEA, CCC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ BEd इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो PGT IT के, इसमें जो BEd है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे NVS की वैकेंसीज़ के बारे में। टोटल 2370 वैकेंसी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो 10 जुलाई से। बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा दिया हुआ है पूरा डिटेल में, कि कितने कितने वैकेंसीज निकली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट वगैरह को 5 साल का, और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है आपके जो जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में, कि क्या क्या आपको सिलेबस आएगा, ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा। एक सेकंड, लीगल असिस्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर तो नहीं है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी असिस्टेंट कमिश्नर की 1500 रुपये हैं, और PGT, TGT, मिसलेनियस टीचर, फीमेल स्टाफ की 1200, लीगल असिस्टेंट कैटेगरी और लोअर डिवीजन क्लर्क की 1000 है। तो काफ़ी, मतलब फ़ी इन्होंने हायर रखा है काफ़ी। चलो, तो आप लोग भर लेना इसी, ठीक है। ये मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना था फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखो इसके लिए अपर एज लिमिट जो है ना वो 45 ईयर्स है, ठीक है। पे स्केल 78,800 से लेकर 2,09,200 है इसका, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब काफ़ी पे स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश यू गुड लक फ्रेंड्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।